हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनी, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी क्वेरीज थी कि सर मैं ईटीएफ सॉफ्टवेयर सीख रहा हूं, कहीं ना कहीं से कोई ऑनलाइन माध्यम से सीख रहा है, कोई ऑफलाइन माध्यम से सीख रहा है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए या कौन कौन से टॉपिक को सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो दोस्तों, ईटीएफ इज व्हाट? एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बिल्डिंग के लिए इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कि इसके लिए जितना कुछ बोला जाए कम है। मींस बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इफ यू ट्राई टू डिजाइन एनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसके लिए अगर ये आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। फिलहाल पीईबी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में रखूंगा आरसीसी के लिए, क्योंकि आरसीसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें डिजाइन हो जाता है। दोस्तों, इसमें अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रिड। अगर आप प्लान को देखते ही 5 से 10 मिनट में ग्रिड नहीं बना पा रहे हैं, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। ग्रिड की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 100-150 प्लान का ग्रिड बना के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब कभी भी टेस्ट होता है ईटीएफ का, तो पर्टिकुलर ध्यान देना ग्रिड का ही टेस्ट होगा। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू प्लान, कॉम्प्लिकेटेड प्लान, एंड जस्ट दे आर गोइंग टू से यू हैव 45 मिनट, जस्ट ड्रॉ दैट एंड एनालाइज दैट। अब 45 मिनट में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका आधा घंटा चला जाएगा ग्रिड में, और फिर उसके बाद बीम लगाना, कॉलम लगाना, स्लैब लगाना, हो सकता है आप एक्सपायरी डेट में चले जाओ। तो कोशिश करना कि हम टाइम पे कर पाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रिड की प्रैक्टिस। ग्रिड की प्रैक्टिस के बाद दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम किसी को ये भेज रहे हैं तो कौन से फॉर्मेट भेजेंगे। इसके अंदर बहुत से फॉर्मेट है। ई टू के फॉर्मेट में अगर हम किसी को अपनी फाइल को भेजते हैं तब ही जाके वो ओपन कर पाएगा फाइल को, अगर उसके पास वो वर्जन नहीं है तो। वर्जन है तो चलेगा, मतलब कि लोअर और हायर है तो E2K में आप फाइल सेव करोगे तो बेहतरीन रहेगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें आपको पता होना चाहिए स्टैटिक एनालिसिस, जिसके अंदर आप सेस्मिक एनालिसिस करते हो, और डायनेमिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से डायनेमिक एनालिसिस होती भी है ईटीएफ के अंदर। डायनेमिक एनालिसिस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, एंड उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, और इसके बाद तीसरा है पुश ओवर एनालिसिस। पुश ओवर एनालिसिस नॉन लीनियर स्टैटिक्स है, और अपना टाइम हिस्ट्री और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो है, ये दोनों लीनियर एनालिसिस है। इनको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझे तो आप ईटीएफ का रियल मजा पाओगे ही नहीं, मतलब जो मेन उसका यूज है वो पाओगे ही नहीं आप। इसके बाद दोस्तों, आपको विंड एनालिसिस का पता होना चाहिए कि हम विंड एनालिसिस कैसे करते हैं, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट डिटेलिंग्स, मतलब डिटेलिंग करना अगर आपको नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, मतलब कि डिटेलिंग करना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। और डिटेलिंग कर लिया तो उसको रीड कैसे करेंगे, डिटेलिंग को रीड कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन होता है। आपको क्या डिटेलिंग वाली जो फाइलें हैं, क्या ऑटोकैड में इंपोर्ट करना आता है? नहीं आता है तो प्लीज सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि हम एडिट कैसे करेंगे किसी डाटा को, मान लीजिए आपको स्टील लगा कि इतना लग रहा है, मुझे चेंज करना है, तो उसमें कैसे चेंज करेंगे डिजाइन में, जिसने भी सीखा होगा उसको पता होगा चेंज डिजाइन सेक्शन, वो आप चेंज कर सकते हो मेंबर ही पूरा का पूरा, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको ऑटोकैड से कैसे इंपोर्ट करना है ये भी जानने आना चाहिए, कि ऑटोकैड से हम इंपोर्ट कैसे करेंगे मॉडल को, अगर इंपोर्ट करना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के लोड कैसे लगाओगे, मतलब यूनिफॉर्म लोड कैसे लगाओगे, ट्रेपोजाइडल लोड कैसे लगाओगे, उसके बाद सेल लोड कैसे लगाओगे, ये सारे लोड्स कैसे लगाओगे, ये आपको बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए। इसके अलावा मास सोर्स, ये क्या होता है, ये स्केल फैक्टर होता है, जो कि हम कभी सेस्मिक एनालिसिस जब लगाते हैं तो उसमें इसकी यूज होती है। तो इंटरव्यू पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ मास सोर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडल एक्सप्लोरर, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मॉडल केसेस, एंड समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द यूज ऑफ लोड कॉम्बिनेशन, और दे आल्सो आस्क हाउ टू क्रिएट द लोड कॉम्बिनेशन। सो यू हैव इन आईएस कोड दैट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन, सो जस्ट पुट दैट डाटा, मीन्स एड न्यू लोड केसेस एंड जस्ट पुट दैट ऑल द कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को। और इसके अलावा इसमें यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस मॉडल को देखें तो मॉडल में अगर हमको स्टील ज्यादा लग रहा है तो कैसे पता करें, तो हम कैसे पता करेंगे, जब हम डिटेलिंग का हमको पर्याप्त नॉलेज होगा तो हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, अभी अभी मेरे पास एक क्वेरीज आई थी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके साथ कनेक्ट होकर काम करने वाले हैं,
तो अभी जिसने भी मॉडल अपने नहीं भेजे हैं सैंपल मॉडल, आप भेज दीजिएगा। अभी एक काम हमारे पास आया है, दैट वर्क इज रिलेटेड टू प्राइमेरा। इफ एनीवन इज हियर हु नो वेरी वेल प्राइमेरा और हु इज प्रोफेशनल इन प्राइमेरा, काइंडली जस्ट कमेंट बिलो। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू कॉल यू, जस्ट पुट योर नंबर्स एंड फ्रॉम वेयर यू आर जस्ट टेल मी। जल्दी से बताना क्योंकि ओपनिंग्स मतलब आज ही के लिए है, मुझे आज किसी न किसी को तो सामने वाली कंपनी को देना है, तो बहुत ही अच्छा काम है। तो जल्दी से कमेंट करना जिसको भी प्राइमेरा आता है और जिसने भी मॉडल नहीं भेजा, क्योंकि जो भी मॉडल अभी तक आया मैंने अभी चूज नहीं कर पाया उसमें से। मुझे कुछ बेस्ट चाहिए था, मतलब क्वालिटी वाला, वो भी आया नहीं यार। देखो अभी बुरा मत मानना तुम लोग जिसने भी भेजा है, मतलब थोड़ा और क्वालिटी बढ़ाओ तो क्या होगा, तब थोड़ा सा लगेगा कि यानी कुछ अलग है। वैसे मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि अब मैं ईटैप्स के ट्यूटोरियल भी बनाने वाला हूँ, कुछ ऐसे भी हैं कुछ पेड भी है। तो ट्यूटोरियल के लिए आपको कौन सा टॉपिक्स चाहिए, क्योंकि हम ईटैप्स पे, मैंने आपको बताया था मैं 15 डेज पहले से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मीन्स बहुत बड़े बड़े डाटा, मैंने 7-8 बुक्स पढ़ी। आपको पता मैं ईटैप पहले से ही पढ़ाता हूँ, बट मैंने थोड़ी और तैयारी की कि ईटैप्स को खत्म करने की कोशिश की जाए, वो मैं कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक्स ईटैप में चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर मुझे ये स्पेशल टॉपिक्स चाहिए। उसके अलावा जो अभी आएगा मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं प्लीज इसको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक वीडियो को देखते हैं, मीन्स लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम सीपीएम थोड़ा डाउन हो जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है यूट्यूब का जो भी फंक्शन वगैरह रहता है उसके अकॉर्डिंग। सो प्लीज पूरा लास्ट तक देखा करो यार, और जिसको भी भेजा करो उसको बोला करो काइंडली वॉच, और उसके बाद इस तरीके से आप भेज दो तो सामने वाला लगेगा कुछ तो अच्छा है। और फेसबुक और व्हाट्सएप से ही आज के टाइम में हम लोग एक दूसरे को बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करना। ये टॉपिक आपका ही था, किसका टॉपिक था नीचे कमेंट करेगा, जिसका भी था 3-4 लोगों को ये टॉपिक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।